वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। आज के इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बेहतरीन कारों को कवर किया गया है जो कि अपकमिंग है, और कुछ ऐसी कारें हैं जो कि फेसलिफ्ट वर्जन के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर एक ऐसी भी कार होने वाली है जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देने वाली है। लेकिन अगर आप कम बजट में एक अच्छी कार की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो के अंदर शामिल है। चलिए जान लीजिए 2024 के दौरान कौन सी गाड़ी इंडियन मार्केट में एंट्री लेने वाली है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली नंबर पे जो गाड़ी आने वाली है वह है हुंडई सेंटा फे। जी हाँ दोस्तों, हुंडई मोटर्स अपनी एक नई जबरदस्त कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है, और इस एसयूवी कार को वर्जन के साथ लॉन्च किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कार में 4x4 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कार को एक मॉन्स्टर लुक और डिजाइन दिया जाएगा, और हुंडई सेंटा फे इस लुक्स और डिजाइन के साथ टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देने वाली है। जहां टोयोटा फॉर्च्यूनर 50 से 55 लाख रुपए में नॉर्मल फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में खड़ी है, तो वहीं हुंडई मोटर्स अपने दमदार फीचर्स, लुक्स और फ्रेश क्वालिटी के नाम से इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है। इस कार का डायमेंशन फॉर्च्यूनर के टक्कर में रखा जाएगा, और इस न्यू एसयूवी 4x4 सेंटा फे में एडवांस फीचर्स के साथ साथ एडास फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा, और ये एडवांस फीचर्स होने वाला है जो कि इंडिया के अंदर सबसे टॉप पे आती है। 40 हॉर्स पावर वाला इस गाड़ी के अंदर एक पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आप इस गाड़ी को काफी अच्छे से ड्राइव कर पाओगे, और इंटीरियर में बैठकर आपको मजा ही आ जाने वाला है, क्योंकि इंटीरियर की क्वालिटी को काफी ज्यादा फ्रेश डिजाइन के साथ रखा गया है। साथ में इंडियन कस्टमर फेवरेट फीचर सनरूफ का भी ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर शामिल रहेगा। इससे कार की प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर एक्स शोरूम इन दिल्ली 45 लाख से 60 लाख रुपए के करीबन रखा जा सकता है, यानी 45 लाख टू 60 लाख के करीबन रखा जा सकता है, और इस एसयूवी कार को 2024 में आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों अब बात आती है नेक्स्ट कार की, तो वो है महिंद्रा मोटर्स की एक जबरदस्त फेसलिफ्ट कार जो कि एक्सयूवी 7 डोलो एसयूवी कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर और सफारी का फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, तब से एक्सयूवी 7 डोलो एसयूवी का बोलबाला ही बंद हो चुका है। इसलिए महिंद्रा मोटर्स अब अपनी एक्सयूवी 7 डोलो एसयूवी कार का फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। साथ में DRLs के डिजाइन को भी चेंज करने की कोशिश की जाएगी। साथ में कार के इंटीरियर में स्लाइडिंग सीट ऑफर किया जाएगा, साथ में कैप्टन सीट भी इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जा सकेगा। सीट के साथ बेंटलेट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ऑटो डिमिंग IRVM जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और कार में अब आपको 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी और ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगी। और हाँ, प्राइस में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस कार को जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा जो कि बिल्कुल यंग जनरेशन में नजर आने वाली है। अब आती है नेक्स्ट कार की बात, वो गाड़ी है महिंद्रा थार 5 डोर, जिसका काफी टाइम से इंतजार किया जा रहा है, और अब 2024 में इस कार को फाइनली रिवील किया जा सकेगा। इसका छोटा भाई 3 डोर थार है, लेकिन जैसे ही बड़ा भाई आएगा, आई मीन 5 डोर थार आएगा, तो उसकी डायमेंशन आपको थोड़ी बड़ी देखने को मिलेगी, जिसमें आप अधिक लोगों को बैठा कर आप आराम से ऑफ रोडिंग कर पाओगे। और टेस्टिंग के दौरान भी 5 डोर थार को कई बार इंडियन सड़कों पर एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिसमें इसके इंटीरियर के फीचर्स और एक्सटीरियर के फीचर्स देखा जा चुका है। उसके रिकॉर्डिंग गाड़ी के अंदर सनरूफ और कुछ 3D एलिमेंट्स का भी यूज किया गया है, जिससे गाड़ी में 4 चांद लग सके। और इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में स्टैंडर्ड थार के 2 4x4 एंड रियर व्हील ड्राइव के पावर ट्रेन के साथ लॉन्च किया जा सकेगा, और इस कार को जैसे कि मैंने आपको बताया 2024 में ही लॉन्च किया जा सकेगा। और इस गाड़ी की प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर एक्स शोरूम इन दिल्ली 15 लाख रुपीज के स्टार्टिंग प्राइस में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दूसरे नंबर पे जो गाड़ी आती है वो है टोयोटा की CHR। CHR टोयोटा की एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, जिसको बेहद ही कम कीमत में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकेगा, और तकरीबन 8 लाख रुपए के समथिंग प्राइस में इस कार को एक्स शोरूम रखा जा सकता है। लेकिन कार का लुक्स और डिजाइन जो रखा जाएगा वो काफी बढ़िया और गुड लुकिंग रखा जाने वाला है। दिखने में कार स्पोर्टी और स्टाइलिश लगती है, जिससे ये कार आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने का काम करेगी।
साथ में कार के फ्रंट में एलईडी का सेटअप रखा गया है, जैसे कि एलईडी डीआरएस, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी फॉग लाइट और रियर में भी एलईडी टेल लाइट्स को रखा गया जाएगा। कार के अंदर 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को रखा गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन कार के इंटीरियर में आप 5 लोगों को आराम से बैठा सकते हैं, जिसमें एंजॉय के लिए 5 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम रखा गया है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर 7 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले को भी रखा गया है और इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सेफ्टी की बात आती है तो सबसे पहले एयरबैग का ऑप्शन निकल कर आता है। इस गाड़ी के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर ABS के साथ EVD को भी रखा गया है। लेन कीपिंग असिस्टेंट जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर सेफ्टी में आपके लिए अवेलेबल है और इस कार को इंडियन मार्केट में 2024 के नेक्स्ट मंथ में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। अब आती है नेक्स्ट कार की बात, तो वो है टाटा नेक्सॉन ICNG। नेक्सॉन का ICNG मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार है, जिसको कि भारत मोबिलिटी के अंदर रिवील किया गया था, जिसमें सबसे मजेदार वाली बात ये है कि कार के अंदर CNG किट होने के बावजूद भी आपको बूट स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके CNG कार होने के बावजूद भी आपको बूट स्पेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी टर्बोचार्ज ICNG कार होगी जिसमें आपको डुअल सिलेंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ये ड्यूअल सिलेंडर 30-30 लीटर का होने वाला है और आपको इस कार के अंदर एक ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि रहने वाला है 5 सीट की मैनुअल ट्रांसमिशन और इस कार को जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकेगा। और जैसे ही लॉन्च होगी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसके लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आती है दोस्तों नेक्स्ट कार की बात, वो है निसान आरिया। एक मिड साइज SUV कार होने वाली है जिसमें आपको निसान मोटर्स इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ अब इंडियन मार्केट में एंट्री लेते हुए दिखाई देने वाली है और इस कार की प्राइस तकरीबन 60 लाख रुपए से स्टार्टिंग होकर 25 लाख रुपए के करीब चली जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है और निसान मोटर्स अब अपनी इलेक्ट्रिक कारों को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जिससे ये मोटर्स रिस्पॉन्स कस्टमर को काफ़ी अच्छा देने वाली है। और इस मिड साइज SUV कार आरिया के अंदर आपको 65 kWh का एक बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, जिसके साथ डुअल मोटर्स का सेटअप रखा गया है और ये बैटरी बैकअप आपको 360 किलोमीटर के करीब रेंज निकाल कर दे देगी। कार का लुक काफी ज्यादा अग्रेसिव और स्टाइलिश रखा गया है और इस कार के एक्सटीरियर लुक से काफी बढ़िया इंटीरियर लुक रहने वाला है। कार के डिजाइन को काफी ज्यादा अग्रेसिव बनाया गया है इंटीरियर से, क्योंकि कार के अंदर कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो गाड़ी के अंदर 4 चांद लगाने का काम करता है और कार को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। कार के अंदर आपको बेंटलेट सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और कार में लार्ज पैरोमिक सनरूफ का भी ऑप्शन रखा गया है, जो कि एक मिड साइज SUV कार के अंदर अभी तक आप देखते आ रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कार में आपको एडास फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होने वाला है और साथ ही साथ आपको गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस कार को 2024 के सेकेंड क्वार्टर में ही लॉन्च किया जा सकता है, जो कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपको देखने को मिल जाएगी। अब आती है नेक्स्ट कार की बात, तो वो है होंडा की एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV कार, जिसको कि एक बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है और अब होंडा मोटर्स भी लॉन्च करने जा रही है अपनी एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV कार को, जो कि सीधा टक्कर देने वाली है महिंद्रा XUV 300 को, टाटा नेक्सॉन को, मारुति सुजुकी ब्रेजा को कड़ी टक्कर देने वाली है, जिसमें फीचर्स डिजाइन के मामले में ये गाड़ी बिल्कुल अलग होने वाली है। लेकिन जब आप चील की निगाहों से देखोगे तो ये थोड़ा आपको होंडा MH की याद दिलाने वाली है, पर वैसे भी कार को होंडा MH के ही प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि सेगमेंट के अंदर इस कार को नया बनाने के लिए कार में एडास फीचर्स भी रखा जाएगा, जिसमें ये गाड़ी अपने सेगमेंट में यानी 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV के अंदर होंडा मोटर्स की कार होने वाली एडास फीचर्स के साथ। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के पावर यानी इंजन को लेकर। कार में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और ये इंजन 100 BHP के करीब पावर दे देगी। कार को 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स और 6-speed की CVT गियर बॉक्स के साथ रखा जाएगा, जो सेगमेंट में कार को थोड़ा अलग बनाता है। और कार के इंटीरियर में प्रीमियम डैशबोर्ड के साथ आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले से लैस होगा और कार में बेंटलेट सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कार की प्राइस 8.65 लाख रुपीज के से स्टार्टिंग हो सकती है इन एक्सोरूम दिल्ली, जो कि 40.70 लाख रुपीज के करीब चली जाएगी और इस कार को भी 2024 के फेस्टिवल सीजन में ही लॉन्च किया जा सकेगा। और हो सकता है ये गाड़ी आपकी फेवरेट कार बन सकती है, क्योंकि ये माइलेज अच्छा खासा आपको निकाल कर दे देगी
और हो सकता है ये गाड़ी आपकी फेवरेट कार भी बन जाए। दोस्तों इनमें से कोई भी कार है जैसे ही लॉन्च होती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने तरफ से लाइक जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों इनमें से कौन सी कारें आपको पसंद आई मुझे कॉमेंट में जरूर बताना।